फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, आज के मेरे वीडियोस में मैंने आप सभी के साथ में ट्रेडिशनल करवा चौथ का लुक क्रिएट किया है। आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप भी अपने करवा चौथ पे इस तरीके का लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो स्टार्टेड। सो गाइस, इस लुक को क्रिएट करने के लिए पहले मैं यहाँ पर लोटस का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। काफी अच्छा साथ ही स्किन को काफी हाइड्रेट रखता है और आपकी स्किन को मॉइस्चर बनाने में काफी हेल्प करेगा। इस तरीके से थोड़ा सा मैंने मॉइस्चर लेके अपने पूरे फेस पे लगा लिया है और नेक पे लगा लिया है और इसे अच्छे से फेस पे और नेक पे लगा लेंगे। सो गाइस, उसके बाद मैं यहाँ पर ग्लैम 21 का मेकअप बेस लगा रही हूँ जो कि ग्लिटर लुक में है। काफ़ी अच्छा मेकअप बेस है। अगर आप भी अपना मेकअप करेंगे उससे पहले इसे लगाएंगे तो आपके फेस पे बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे ग्लिटर है जो फेस पर एकदम ग्लो लाता है। सो इसे अच्छे तरीके से फेस पे और नेक पे लगा लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर ग्लैम 21 का ही ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है ये भी। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही बेस्ट है। इस तरीके से पूरे फेस पे डॉट डॉट करके इसे लगा लेंगे। जहाँ जहाँ आपका एरिया बहुत ज़्यादा आइज़ के आसपास इसे अच्छे से लगाएंगे, जहाँ पर डार्क सर्किल है और जहाँ आपकी स्किन पे पिंपल्स के दाग धब्बे हैं वहाँ पे इसे अच्छे से लगा के ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इस तरीके से लगा के इसे पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कवरेज करता है पूरे फेस को। और उसके बाद मैं यहाँ पे आई कंसीलर लगा रही हूँ जिससे मेरे आईज़ के आसपास जो भी डार्क सर्किल है वो अच्छे से कवर हो जाए और इसे भी ब्यूटी ब्लेंड की तरफ से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इस तरीके से आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। सो गाइस, मुझे ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा लगा। इन सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेकआउट कर लेना। उसके बाद मैं यहाँ पे मिस क्लेरी की आईब्रो पेंसिल से अपने आईब्रो को अच्छे से फिल करूँगी। मुझे ये आईब्रो पेंसिल काफ़ी अच्छी लगती है और इसमें जो मेरा कलर है वो ब्राउन है। सो अगर आपके पास ये मिस क्लेरी की आईब्रो पेंसिल नहीं है तो एक बार आप ज़रूर यूज़ करके देखना और इसे लगा के देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। इस तरीके से दोनों आईब्रो को अच्छे से फिल कर लेंगे। सो गाइज, उसके बाद मैं अपने आई शेडो के लिए मैं यहाँ पर मेहरून कलर ले रही हूँ और बर्गंडी, इन दोनों को मिक्स करके मैं अपने आई शेडो पर लगाऊंगी। काफ़ी अच्छा है, आपको जो पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग अपने साड़ी के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से करके आप दोनों आईज पर इन्हें अच्छे से लगा लें। साथ ही मैं यहाँ पर सिमर के लिए, सिमर लुक के लिए आई शेडो पर लगाऊंगी। बट अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा लुक हो तो आप इसे अपने उंगली की हेल्प से इन्हें दोनों आई शेडो पर अच्छे से लगा लें। इस तरीके से आप अपने दोनों आईज पे लगा लें। सो गाइस, उसके बाद मैं एक डार्क कलर लेकर अपने आईज के आसपास कॉर्नर पे अच्छे से और क्रीज करूँगी जिससे बहुत ही अच्छी मेरे आई शेडो बने और बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट हो। सो गाइस, इसके बाद मैं यहाँ पर बॉन्जोर का काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा काजल है, लॉन्ग लास्टिंग है और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, बहुत देर तक ये हमारी आईज पे स्टे रहता है। और मुझे ये काजल काफी अच्छा लगता है। और गाइस, मैं इसी काजल से लाइनर लगाऊंगी। काफ़ी अच्छा लाइनर लगेगा इससे, बहुत ही अच्छा है, ये फैलता भी नहीं है और काफ़ी देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और उसके बाद मैं लिप लाइनर से
अपने लिप्स पे लाइन कर लूँगी, जिससे जब भी आप लिपस्टिक लगाएं तो आपकी लिपस्टिक फैले नहीं और एक बहुत ही सुंदर आपकी लिपस्टिक लगे। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर एडीएस का लिप ग्लॉस लगा रही हूँ, जिसमें मेरा जो कलर है वो ऑरेंज और रेड मिक्स है और ये काफ़ी अच्छा कलर है। अगर आप न्यू मैरिड कपल हैं तो आप ये कलर जरूर करवा चौथ पे चूज़ करना, बहुत ही अच्छा है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यह कलर फेस्टिवल्स पे बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप दुर्गा पूजा पर भी इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं पेंसिल से एक बार और लिप पे लाइन करूँगी। सो गाइस इसके बाद मैं यहाँ पर ब्लेशर लगा रही हूँ, जिसमें मेरा जो कलर है वो बहुत लाइट है। उसके बाद मैं यहाँ पर मिलानी का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है ये। इस तरीके से आप भी फेस्टिवल्स पे अपने लिए एक बहुत ही सुंदर लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस उसके बाद मैं ये मिस क्लेरी का जो हाइलाइटर्स हैं जो कि गोल्डन में है, इसे हल्के से जो जो जगह मुझे हाईलाइट करनी है वहाँ वहाँ मैं इसे लगाऊंगी। मुझे अपनी नोज़ का एरिया और चिक ये हाईलाइट करना है, सो मैं यहाँ पर इसे फिंगर की हेल्प से इसे लगाऊंगी। इसे आप अपने फिंगर की हेल्प से अच्छे से कर लें। सो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और साथ ही आपको जो हेयर स्टाइल पसंद है वो आप हेयर स्टाइल बना सकते हैं, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा।